डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। जैसा कल आप लोगों को ग्रुप में मैसेज कर दिया था, सिलेबस कम कर दिया गया है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी सम ऑफ एन टर्म एंड फाइंड ऑफ एनथ टर्म दो ही टॉपिक हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, इन विच द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। पहला क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, द टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज ₹15 एंड द टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर इज ₹15 + 8, क्योंकि कह रहा है कि पहला किलोमीटर का जो दाम है वो ₹15 है, उसके बाद हर किलोमीटर पर ₹8 बढ़ जाता है, तो दूसरे किलोमीटर का 23 हो जाएगा। ऐसे तीसरे किलोमीटर का हो जाएगा 23 + 8 = 31, फोर्थ किलोमीटर का हो जाएगा 39। दस बी गेट सीरीज 15, 23, 31, 39 विच फॉर्म्स एन एपी। बिकॉज आप जानते हैं कि एपी की डिफिनीशन में ही बताया गया है कि फर्स्ट टर्म के बाद जितने टर्म आगे आए उनके बीच में एक कॉमन डिफरेंस होता है, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस 8 है, हर जगह 8 बढ़कर के सीरीज लिखी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। दूसरा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखते हैं हम, तो इसको एक्चुअली क्या है, इसका आंसर तो नो होगा, क्योंकि हमको ये सर नो में बताना है आंसर, क्योंकि ये एपी में है नहीं। अब एपी में क्यों नहीं है, इसको हम यहाँ पर इंटरप्रेट करते हैं, इसको और हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज वी, मान लिया हमने क्या क्वेश्चन में दिया ही है कि इसका जो है वी है। फर्स्ट टाइम वैक्यूम पंप रिमूव्स वॉल्यूम 1/4, यानी जो V था उसका 1/4 उसमें से कम हो जाता है, तो B - B/4, 10 B = 3/4 V। सेकेंड टाइम में वैक्यूम जब रिमूव करेगा तो जो 3/4 V है इससे भी इसका 1/4 कम हो जाएगा, यानी 3/16 V कम हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 9/16 V, दैट इज 3/4² × B। 10 B = V (3V/4)² B ... जो हम देख रहे हैं, विच इज नॉट इन एपी, बिकॉज हियर ईच सक्सीडिंग टर्म इज नॉट ऑब्टेंड बाई एडिंग फिक्स कॉमन डिफरेंस इन इट्स प्रिसीडिंग टर्म, यानी जो इसमें टर्म मिल रहा है पहला हर टर्म के बाद दूसरा टर्म आने वाला, वो एक निश्चित फिक्स्ड, इसको हम कॉमन फिक्स टर्म को हम कॉमन डिफरेंस मानते हैं, कॉमन डिफरेंस के द्वारा इस ऐड करने पर भी ये हमको ऐसा नहीं मिल रहा है, तो ये एपी में नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।